शफक प्लीज इस तरह रो तो मत, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बड़े मामू को सूझा क्या है। चली जाओ तहरीम यहां से, प्लीज चली जाओ अभी। मैं कैसे तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, प्लीज तुम रोना तो बंद करो और ये सब बातों को इग्नोर करो। कैसे इग्नोर कर दूं और किस किस बात को इग्नोर करूं मैं? इग्नोर करना इतना ही आसान है? शफक प्लीज, इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगे। तहरीम, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो जाके उन्हें कह दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे मेरे हाल पे छोड़ने में ऐसे ही खुश हूं। अच्छा फाइन, तुम्हें मैं ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज इस तरह मत रो, मैं सबको बता दूंगी ना। प्लीज प्लीज डोंट बी सो अपसेट शफक, प्लीज। मेरा तो दिल इकट्ठा हो गया इन तमाम रिश्तों से। अरे मैंने तो भला सोचा था शफक का, और सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। बाबा आपको क्या जरूरत थी उनका रिश्ता कराने की, वो लोग तो कभी खुशी नहीं होते, उल्टा पड़ ही जाते। शफक मेरी बेटी की तरह है, मेरी भाई की बेटी है, मैं उसका भला सोच रहा हूँ, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। यदि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। आप जानते तो हैं भाई साहब नूरजहां को, वो इसी किस्म की हरकतें करती। तुलन ठीक कह रही है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था इन मामलात में। मैंने तो अपनी तरफ से नेकी करने की कोशिश की थी, और अकबर अली ने तो मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उसके सामने कटहरे में खड़ा हूं। कभी भी नहीं भूलूंगा मैं ये सब कुछ। और ऊपर से तहरीम ने मुझसे बदतमीजी की। हाँ मुझसे? बाबा प्लीज प्लीज अपना मूड ना खराब करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा, पानी पीजिए ना। भाई साहब तहरीम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे, नहीं करनी चाहिए थी ना बदतमीजी आपसे, बदतमीज लड़की। मुझे तो लगता है उसे नूरजहां चची ने ही बंप किया होगा, वरना हमारी तहरीन तो बहुत सादा है, उसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या कहना है और क्या नहीं। ठीक कह रही है, यही हुआ होगा, वरना आपको पता तो है मेरी तहरीन कितनी सीधी सादी और तमीज की बात अब लड़की है, मैंने उसकी ऐसी तरबियत की है। बाबा प्लीज इन लोगों की बातें छोड़ें, मैं खाना लगवाती हूँ, हम बैठ के खाना खाते। आप तो सब कुछ जानती थी ना अम्मी, फिर ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कह सकती हैं आप? मेरा दिमाग खराब हो गया था, अनवर अली और अकबर अली ने इस कदर इसरार किया कि मैं मजबूर हो गई और मैंने कह दिया अच्छा भाई बुला लो लड़के को या छानबीन कर लो, और मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताती, मैं तो अभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो, मैंने बहुत कोशिश की अपनी जान छुड़ाने की, पर मुझे क्या पता था ये सब होगा। मुझे तो खिलौना समझ लिया अम्मी सबने, जीती जागती इंसान हूं ना मैं भी। मैं समझती हूँ मेरी जान, बस भूल जाओ इन बातों को, अब तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं होगी। तुम्हारी शादी अगर हुई भी तो सिर्फ जैन अली से होगी, और मैं खुद करवाऊंगी। अगर जैन अली से आप मेरी शादी करवा सकती तो पहले करवा चुकी होती, अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अम्मी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ बेटा। नहीं समझ सकती आप, अगर आप समझ सकती तो ये बात ही ना करती, मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, और जैन अली से तो बिल्कुल नहीं।